दोस्तों नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े, वो भी पनीर से। तो बनाना शुरू करते हैं। ये 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, तो पनीर और इसमें लगेगा आलू। तो ये मीडियम साइज के दो आलू लिया है मैंने। और आलू पनीर को सबसे पहले हम ग्रेट करेंगे, तो ग्रेट कर लेते हैं। सारा पनीर हमने ग्रेट कर लिया है और आलू हमें उबला हुआ लेना है और इसी छोटे वाले ग्रेटर से हमने ग्रेट करना है। तो आलू को भी ग्रेट कर लेते हैं। आलू को भी हमने ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 चम्मच अरारोट। आप ब्रेड क्रम भी यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ 1 इंच टुकड़ा अदरक का, और नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा। मैं यहाँ कुटी हुई 2 लाल मिर्च ले रही हूँ, आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरारोट हमने डाला है बाइंडिंग के लिए। तैयार कर लिया है डो। मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा था तो 1 चम्मच अरारोट मैंने और डाला है, यानी कुल मिला के 3 चम्मच डाला है। आप इसमें ब्रेड क्रम, मैदा, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और अरारोट, चारों चीज़ें आप जो आपको पसंद हो आप पनीर के साथ मिक्स करके बाइंडिंग के लिए बना सकते हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तेल को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमें अच्छा गर्म होना चाहिए, बढ़िया। तो छोटा छोटा सा बना लेते हैं इस तरह से, गोल गोल करके इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे। इसी तरह से सारे पेड़े बना लेंगे हम। पनीर के बड़े हमने बना लिया है और बिल्कुल हमने पेड़े के आकार का बनाया है, छोटा छोटा सा, क्योंकि पकने के बाद ये बड़ा होगा। आपको जैसा आकार पसंद आए आप बना लीजिए। तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है। तेल गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं होना चाहिए। बड़े हमारे हो गए हैं, आंच को हमने मीडियम कर दिया है और मीडियम आंच पे ही हमें तलना है। तेल को पहले अच्छा गरम करेंगे फिर आंच को मीडियम कर देंगे। तो दोनों तरफ से सिक गए हैं और अब हम निकाल लेते हैं। और जो बनाए हैं हम वो भी डाल देंगे। फ्राई कर लिया है मैंने और बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। अगर फ्राई करते समय एक भी वरा आपका फट जाए, अगर फटने लगे तलते समय, आप एक बारा डालकर चेक कर लीजिएगा। अगर फटने लगे तो आप उसमें जो भी आप ऐड कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए, या तो अरारोट, कॉर्नफ्लोर या क्रम्ब, जो भी आप डालें उसमें 1 या 2 चम्मच डालकर अच्छे से फिर से गूंथ लें, तो आपका वरा बिल्कुल फटेगा नहीं और पनीर और वरा, ये आटा, दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम प्लेटिंग कर लेते हैं और बहुत अच्छे से बन गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल स्पंजी बना है और बहुत बढ़िया बना है। सबसे पहले हम दही डाल देते हैं। हमारा पनीर का दही भल्ला या दही बड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और बहुत टेस्टी लगता है और झटपट और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है ये। तो मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।